और पूरे चारों पूरे हम लोग सारे विधानसभा में हमने कल चर्चा की, कलेक्टर साहब से लेकर जिला पंचायत सीओ से लेकर और हर तहसील का एसडीएम, उन सबको निर्देश दिए हैं कि जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, बेहतर से बेहतर हो सकता है हमारे ग्रामीण अंचल में, ये कम से करोना तो हम युद्ध स्तर पर पूरी कोशिश रहेगी सरकार की, हमारी शासन प्रशासन सब इसमें युद्ध स्तर पर काम करेंगे। सबको मैंने निर्देश दे दिए, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम करें, क्योंकि हमको जब हम कोविड केयर सेंटर खोलें तो सारी सुविधा हमको भर रहे हैं, इसलिए थोड़ा उस पर विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो सारी सुविधा देने के लिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी काला बाजार करने वाले को छोड़ेगी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उन पर आंसुका लगाने के लिए मैंने निर्देश दे दिए। अब इस समय बेहद संयम का, इस संकट का एक युद्ध है, बड़ी महामारी है, इसको आपको मालूम सेवा कुछ मेरी खुद की विधानसभा में मैं प्रयास रहती हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ निरंतर, पर मैं आपको मेरे छोटे भाई संजय से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ और वो निराधार और उनसे ये कहता हूँ कि ये राजनीति करना बंद करें और एक दूसरे का जैसा ना तेरा ना मेरा, ये लड़ाई हम सबको मिलकर करें, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आ इस संकट में सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ दें। होम आइसोलेट जो होम आइसोलेट है उसके पिछले मिलकर एक वर्षों से चल रहा है, इसमें लगभग 45 डॉक्टर निरंतर उनको सेवा दे रहे हैं। मैं सब डॉक्टरों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस संकट में होम आइसोलेशन में जो हमारे व्यक्ति हैं लगभग प्रतिदिन हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं 3500-4000 लोगों से हम रोज कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और अभी जो वर्तमान में कुल मरीज हैं वो लगभग 3800 है। मैं निरंतर यह आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री का भी संकल्प है कि सबसे पहले जो होम आइसोलेशन है इनको सारी सुविधा हो, हर चीज़ समय पे मिले, उपचार समय पे मिले, मेडिसिन समय पे मिले, ये हमारा प्रयास है। और एक आत्मविश्वास के साथ जो मैंने माँ से बात की, बेटे से बात की, पिता से बात की, बहन से बात की, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक मंत्री के रूप में, भाई के रूप में, इंदौर के बेटे के रूप में, उनको भी अच्छा लगा। मैं तो आगे मैं होम आइसोलेशन की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक समर्पित भाव से कोई भी 365 दिन से एक दिन भी 4 अप्रैल से, क्योंकि उसे 4 अप्रैल से चालू हुआ था ना जी सर, 4 अप्रैल से आज तक निरंतर चल रहा है और कम से कम 230 इस सेंटर में काम कर रहे हैं। मैं उनको भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये होम आइसोलेशन का संकल्प बहुत बड़ा है और ये संकल्प सरकार पूरी तत्परता से, गंभीरता से इनकी पूरी मदद करेगी, या ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जिस आत्मविश्वास के साथ हम लोग जो बात करते हैं, मुझे भी अच्छा लगा कई दिनों के बाद कि एक सही दिशा में हमारी ये पूरी टीम काम, बहुत बहुत धन्यवाद।